हापुड़ में एटीएम बदलने वाले चार आरोपी गिरफ्तार। 100 से अधिक लोगों से कर चुके हैं ठगी। 75 कार्ड, 5 फोन और गाड़ी बरामद। हापुड़ में पुलिस ने एटीएम के अंदर लोगों को बातों में उलझाकर उनके एटीएम कार्ड बदलकर धनराशि निकालने वाले गिरोह का शनिवार को पर्दाफाश किया। 4 साइबर ठगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 17,000 की नकदी, 75 एटीएम कार्ड सहित 5 फोन और एक कार बरामद हुए। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनका गिरोह एनसीआर समेत अन्य जनपदों में सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पकड़े गए आरोपी अभी तक 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी कर लाखों रुपए कमा चुके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में जनपद में साइबर ठगों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक मुकदमा 198/23 जो की कोतवाली नगर में दर्ज हुआ, जो धारा 420, 379 और 411 IPC के अंतर्गत दर्ज हुआ था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हापुड़ नगर और साइबर सेल की ज्वाइंट टीम ने तहसील चौराहा हापुड़ से कल 4 शातिर अपराधियों को अपनी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं अलाउद्दीन जो कि हाफिजपुर का रहने वाला है पर ये इस समय लोनी गाजियाबाद में रहता है, दूसरा शहजाद जो दिल्ली का रहने वाला है पर वो भी लोनी गाजियाबाद में रहता है, तीसरा शबीर मोहम्मद शबीर जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है पर वो साहिबाबाद गाजियाबाद में रहता है, और चौथा सलमान जो कि साहिबाबाद गाजियाबाद में रहता है। इन सब के आपराधिक इतिहास भी हैं, जैसे अलाउद्दीन के खिलाफ 9 मुकदमे, शहजाद के खिलाफ 7 और मोहम्मद शबीर के खिलाफ 3 और सलमान के खिलाफ 4 मुकदमे पहले से हैं। हमें इनके पास से 17,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, साथ ही विभिन्न बैंकों के 75 ATM कार्ड भी हमें बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त XUV500 कार जिसको उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया। इनके विरुद्ध NCR के अन्य जनपदों में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी अपनी कार से गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ जाकर के ATM बदलकर घटना कारित करते। ये चारों ATM बूथ पर पहले अपनी कार को रोकते और उनका एक साथी कार को स्टार्ट रखता, जिससे घटना करने के बाद भागने में आसानी हो जाती और 3 लोग ATM के अंदर जाकर ATM में मौजूद व्यक्ति को बातों में उलझाकर उसका ATM कार्ड बदल देते। जब तक वह व्यक्ति कुछ समझ पाता तब तक वे लोग अपनी कार में बैठकर अन्य किसी ATM से कैश निकाल लेते।